एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये दिवाली के बाद वाला वीकेंड है जब आपको आराम से चिल करने का घर पे टाइम मिलेगा। तो आज है सैटरडे और अभी आफ्टरनून का टाइम है, क्योंकि सुबह से मैं घर क्लीन कर रही थी। एज़ यूजुअल वीकेंड हमारे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है क्लीनिंग वगैरह में, और मॉर्निंग थोड़ी सी लेट ही स्टार्ट होती है, तो वो सब किया और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पर जहाँ से हम कुछ लेंगे जो कि हमारी फैमिली में एक एडिशन होगा। वो सब मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या लेने जा रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल हो रखा है, अभी हल्की हल्की ग्रीनरी रह गई है क्योंकि फॉल चल रहा है, तो सारे नीचे पत्ते गिरे हुए हैं और पूरा मोहब्बते वाला सीन लगता है। तो अभी हम लोग आए हैं पेट स्मार्ट, बिकॉज यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं अपने घर के लिए फिश। एक्चुअली जब से गोविंद ने एम्स्टरडैम एयरपोर्ट पे एक्वेरियम देखा था ना, बड़ा वाला, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ट्रैवल ब्लॉग इंडिया टू यूएस वाला, तब से वो अपने डैडी को बोल रहा था कि डैडी मुझे भी अपने घर के लिए एक फ़िश चाहिए। और दो तीन दिन पहले हम लोग ना मॉल गए थे और वहाँ पे एक स्टोर में भी बहुत बड़ा एक्वेरियम था, तब से तो उसने ज़िद पकड़ ली थी कि मुझे भी फ़िश चाहिए। एंड हम सोच ही रहे थे कि गोविंद के लिए कोई मीनिंगफुल गिफ्ट ले हम, क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, अभी थैंक्सगिविंग आने वाला है, तो सोचा था कि कुछ अच्छा गिफ्ट हम उसके लिए लेंगे। एंड देन वी थॉट कि यार ये गिफ्ट परफेक्ट रहेगा, बिकॉज घर पे फ़िश होगी तो वो सबसे पहले तो उसके साथ खेलेगा बहुत, उसको बहुत एक्साइटमेंट होगी। सेकेंड चीज़ कि बच्चा ना केयर करनी सीखेगा, उसको जब वो फीड कराएगा, उसको देखेगा, उसकी केयर करेगा, तो डेफिनेटली वो लर्न बहुत करेगा। तो मुझे भी लगा और अंशुल को भी लगा कि ये परफेक्ट गिफ्ट होगा हमारे बच्चे के लिए। तो हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ पे बहुत वैरायटी के फिशेज हैं, तो देखते हैं हम लोग कौन सी लेने वाले हैं। फिनिश अभी वी आर कंफ्यूज कि 3 गैलन वाला टैंक लें या 1 गैलन वाला टैंक लें। ये छोटा सा टैंक है 1 गैलन का, और ये 3 गैलन का टैंक है। दिखाओ एक बार। वुडन फिनिश का टैंक है ये। कौन सा लेना चाहिए? आई एम नॉट श्योर। आई लाइक दिस। जॉय को अपना कैंडी दिखाओगे? दिखा दो जॉय को, बताओ दिस इज माय कैंडी। दिस इज माय कैंडी। देखिए जॉय, देखिए। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि हमारी फिश का नामकरण भी हो चुका है, हमारी फिश आ गई है घर और उसका नाम हमने रखा है जॉय। ये रोज पेटल फिश है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और हमने लिया है उसके लिए ये वाला टैंक, और ये कुछ ग्रेवल लिए हैं, स्टोन्स कलरफुल, जो हम डालेंगे अपने एक्वेरियम में। ये हमारी फिश का फूड है और गोविंद अपने जॉय के साथ खेल रहा है, और ये कुछ वाटर कंडीशनर और बैक्टीरिया सप्लेंट वगैरह हैं, और हमने अपने एक्वेरियम को डेकोरेट करने के लिए भी कुछ एसेसरीज ली हैं, वो है ये। मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, आई थिंक ये $10 का था, नहीं $15 का। यस, दिस इज़ फॉर $15। और एक हमने फेक प्लांट लिया है एक्वेरियम में रखने के लिए, ये $5 का था, और हमारे एक्वेरियम का ये फिल्टर है, और यस ये सब चीज़ें हम लेकर आए हैं। ये एक्वेरियम $60 का था, बट आज हमें डील में $30 का मिला है, और इसमें कलरफुल लाइट्स हैं और बहुत ही सुंदर लगेगा। और आप गोविंद की एक्साइटमेंट देख ही सकते हो। गोविंद किसके साथ प्ले कर रहे हो आप? जॉय के साथ। गोविंद जॉय के साथ प्ले कर रहा है। तो अभी हम लोग असेंबल करेंगे फिश, टैंक में कल जाएगी, क्योंकि आज पहले टैंक ट्रीट होगा, क्लीन होगा इसका पानी, और उसके बाद फिर वाटर टेस्ट होगा वापस पेट स्मार्ट पे, और उसके बाद फिर फिश टैंक में जाएगी, तो वो कल होगा, बट रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स वी विल डू टुडे।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज संडे मॉर्निंग है और हम लोग निकले हैं फिर से बाहर। आप सोच रहे होंगे कि हम बाहर कितना जाते हैं, बट यू नो कितना भी आप सोचो कि घर के लिए अब कोई शॉपिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं, हमने सारा सामान ले लिया है, बट कुछ ना कुछ तो सामान ऐसा होता है हर वीक जो आपको लेना होता है घर के लिए। कहते हैं ना कि घर कुआं है, जितना भी आप सामान उसके अंदर डालते जाओ उतना ही आपको कम लगता है। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है, मैं हर वीकेंड सोचती हूँ कि अब मेरे घर में पूरा सामान हो गया और फिर अगले वीकेंड हम लोग निकल जाते हैं शॉपिंग करने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉस्को क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी घर के लिए। और हमने बहुत सारी शॉपिंग की है कॉस्को से, मैं आपको सब घर जाकर दिखाऊंगी। अभी हम लोग आए हैं चिपोटले लंच करने। वैसे लंच करने का बाहर कोई सीन नहीं था, बट शॉपिंग करते करते बहुत लेट हो गया है। इट्स ऑलरेडी 2:00 और गोविंद थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, तो हमने सोचा चिपोटले आ जाते हैं लंच करने। अंशी प्लीज से हाय टू एवरीवन। सब बोल रहे थे अंशी को भी लाया करो ब्लॉग में। अब अंशु भी आएंगे ब्लॉग में। वो एक्चुअली ऑफिस में बिजी रहते हैं ना, इसीलिए ज़्यादा आ नहीं पाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो आना नहीं चाहते मेरे ब्लॉग्स में। और ये मेरा गोविंद टोटियास, हॉट हॉट टोटियास, गुआक, आई लव इट, सम लाइम, एंड नाउ फॉर द प्रोटीन, दिस इज इम्पोर्टेंट, वॉच इट, सी नाउ white rice with black beans, lot of veggies. Now I got medium salsa for you, chili salsa very less because Govind might not like it very spicy, lot of corn, I love corn, yep, and I get this time I got some sour cream on it, okay, because Govind likes it. So what, around 250 calories. Let's try it out. आप कैलोरीज केयर भी करते हो? कैन ईट एनीथिंग। पब्लिक को लगना चाहिए कि मैं भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूं। ये बात अलग है, लड्डू के सामने कोई कैलोरीज नहीं। बिल्कुल। हमारा जॉय वाटर टैंक में आ गया, हम लोग उसका वाटर टेस्ट करा कर लेकर आए अभी। एंड जो पेट स्मार्ट में लोग थे उन्होंने कहा कि द वाटर इज कम्प्लीटली फाइन फॉर द जॉय टू बी इन द टैंक, तो हमारा जॉय टैंक में आ गया। अभी वो ना पीछे प्लांट, इस प्लांट के पीछे छुपा हुआ है क्योंकि ना वो लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस टैंक को, देखते हैं कि ये सेफ प्लेस है उनके लिए, उसके बाद वो इधर उधर घूमना शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मैं आज कॉस्को से करके लाई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये स्टील डस्टबिन दिखाती हूँ जो मुझे लेना था काफी टाइम से। मेरा जो पुराना डस्टबिन था ना वो प्लास्टिक का था और वो बहुत पुराना था। जब अंशुल US आए थे ऑलमोस्ट 7 years पहले, तब उन्होंने वो बाय किया था, तो मुझे वो रिप्लेस करना ही करना था। एंड काफी दिन से ना मैं ये इस स्टील बॉडी का डस्टबिन देख रही थी एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, बट आई वॉज लकी इनफ आज कॉस्को पे मुझे ये मोशन सेंसर वाला डस्टबिन 40 bucks में मिल गया। एक ये सिंगल पीस ही बचा था, इसे मैं नीचे रख दूँ फिर बताती हूँ आपको। एक ये सिंगल पीस बचा था एंड शायद इसी वजह से इतना ज़्यादा सस्ता था। मैंने इसे बहुत ऑनलाइन भी सर्च किया, लाइक मैं बेड बाथ की वेबसाइट पे चेक किया, वॉलमार्ट की वेबसाइट पे चेक किया, एंड एवरीवेयर ये $150-$200 का था। एंड फॉर अ डस्टबिन मैं $150-$200 तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करती, तो आज मुझे ये $40 में खाली मिला, तो मैंने ये लिया सबसे पहले। उसके बाद हमने की कुछ विंटर शॉपिंग। ये मैंने शूज़ लिए हैं, ये कोम्बू ब्रांड के हैं। किसी ने हमें बोला था कि कोम्बू ब्रांड काफ़ी अच्छी रहती है शूज़ में और कॉस्को में काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं, तो मैं भी आपको दिखा दूँ मेरे शूज़। ये देखिए, ये इस टाइप के लो बूटीज़ हैं और हर साइज में अवेलेबल थे। ब्लैक कलर मैंने लिया है, आई थिंक ये $26 के थे, तो नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। इनकी ना ग्रिप बहुत अच्छी रहती है, लाइक स्नो वगैरह में जब आप इसे पहनोगे तो काफ़ी सही रहेंगे। और वहाँ पे मेल्स के शूज़ भी मिल रहे थे, तो अंशुल ने भी अपने लिए लिए हैं एक यही सेम ब्रांड के कोम्बू के, उनके शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे हैं।
ब्राउन कलर के हैं ये. अभी बेबीज के शूज स्टिल अवेलेबल नहीं है कॉस्को पे, तो हमने पूछा था कि बच्चों के शूज कब तक आ जाएंगे, तो उन्होंने बोला था कि फिक्स नहीं है, मे बी इन अ वीक और टू वीक्स बच्चों के शूज भी वो लोग रखते हैं, लाइक स्नो बूटीज एंड एवरीथिंग विल बी देयर. तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि कॉस्को पे अगर गोविंद के भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम दो तीन दिन पहले मॉल गए थे, वुडफील्ड मॉल, और वहाँ पे एक नॉर्डस्ट्रॉम भी है बहुत बड़ा, तो हमने वहाँ पे गोविंद के शूज़ देखे थे एंड दे वर सुपर एक्सपेंसिव. तो हमने वहाँ से बाय कर लिए हैं गोविंद के लिए. आई थिंक हमने $220 के दो पेयर शूज़ बाय किए हैं, एक तो इसी तरीके के लो बूटीज़ जो वो डेली में पहनेगा स्कूल वगैरह जाते वक्त, और एक स्नो बूट्स, एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. और बाद में हमें किसी ने बताया कि बच्चों के इतने एक्सपेंसिव शूज़ नहीं कॉस्को वगैरह पे मिल जाते हैं, इसीलिए इस बार हम गए थे वीकेंड पे चेक करने, एंड उन्होंने बोला कि यस आते हैं बच्चों के लिए भी. तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि गोविंद के आएंगे तब गोविंद के लिए भी लेंगे. और उसके बाद मैंने लिए ये बाउल्स, बहुत ही सुंदर बाउल्स हैं, मैं ये ना बहुत टाइम से लेना चाहती थी, तो आज फाइनली मैंने लिए हैं. वाइट कलर के 4 बाउल्स हैं एंड आई थिंक $12 के ही थे ये. बहुत ही सुंदर बाउल है, जब मैं इन्हें यूज़ करूँगी तो आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी. और मैंने लिया ये एक बॉटल क्लीनर, इसमें ना बेस्ट पार्ट ये है कि ये भी आई है स्ट्रॉ क्लीनर भी, और दो पैक हैं जस्ट फॉर $7. वैसे इसका प्राइस $10 था बट $7 में आज मुझे मिला ये. और मैंने ये लिया है क्रीम, काफ़ी लोग मुझसे मेरा स्किन केयर रूटीन पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ, मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल है. मैं ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ, हैंड्स डाउन बेस्ट क्रीम है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. ये ओले रीजेनरिस्ट कॉस्को से मैं लेती हूँ, हर बार इसका प्राइस $40 रहता है टू क्रीम्स का, बट आज $8 लेस था तो 31 कुछ की मुझे मिली है, तो मैंने सोचा कि दो पैक्स ले लेती हूँ क्योंकि मैं तो ये बहुत यूज़ करती हूँ, एंड हैविंग विंटर्स हेयर तो थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैंने ये दो पैक्स लिए हैं इसके. और हमने लिए ये वेजिटेबल स्प्रिंग रोल, इसका सैम्पल मिल रहा था, हमने ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी था. ओवन में आप इसे बेक करके भी बना सकते हो विच इज़ द बेस्ट थिंग, तो इसीलिए मैंने एक ये लिया. ये इसमें आई थिंक यस 50 पीसेज हैं, $10 के थे ये. और हमें चाहिए थे स्क्रच बाइट, तो हमने ये लिए हैं स्क्रच बाइट, ये 21 का पैक है, यस 21 का पैक है, एंड आई थिंक $13-14 का था, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी दिन सर्व करेगा, आई थिंक साल से ऊपर सर्व कर जाएगा, तो एक बड़ा पैक मैंने ले लिया. तो बस ये थोड़ा बहुत सामान मैंने कॉस्को से लिया है. मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सा बैठ के आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, ग्रीन टी बनाकर लाई हूँ अपने लिए. सर्दियों में ना कुछ कुछ गरम गरम खाने का बहुत मन करता है, तो ग्रीन टी अच्छी रहती है, इसीलिए आफ्टरनून में सोचा कि चलो ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि आज बाहर का खाना खाया है तो गरम खाने से जो भी फैट होता है वो एक्यूमुलेट भी नहीं होगा, एंड ओवरऑल भी ग्रीन टी अच्छी रहती है स्किन वगैरह के लिए भी. तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे सिंपल सिंपल ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और मैं हॉल्स वगैरह इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ना इससे आइडिया लग जाता है कि आप क्या बाय कर सकते हो या फिर क्या प्राइस चल रहा है करंट मार्केट में. और अभी तो थैंक्सगिविंग आने वाला है तो लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, लाइक इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, बट ऑब्वियसली इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करती हूँ. मैं कभी भी इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करती, लाइक कुछ मैंने देखा और मुझे पसंद आया मैंने तुरंत बाय कर लिया, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती. मैं पहले देख के आती हूँ चीज़ को और थोड़े दिन उसके बारे में सोचती हूँ कि हाँ मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, या एक्चुअली मुझे उसकी नीड है या नहीं. फिर मुझे अगर लगता है कि नहीं यार ये प्राइस पे ठीक मिल रही है वो चीज़ और उसकी मुझे नीड भी है, तो फिर मैं जाके बाय करती हूँ. जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो जो बाउल्स मैंने लिए हैं वो पहले भी मैंने कॉस्को पे देखे थे, बट मैंने उस टाइम पे बाय नहीं किए सोच के कि शायद मैं यूज़ ना करूँ उन्हें या उसकी यूटिलिटी मेरे पास ना हो, बट आज बाय कर लिए क्योंकि लगा कि नहीं यार यूज़ तो मैं कर लूँगी क्योंकि हो जाती है चीज़ें यूज़. और थैंक्सगिविंग का मैं बोल रही थी, तो थैंक्सगिविंग में मन तो बहुत कुछ है लेने का, बट ऑब्वियसली
थोड़ा सा लिमिट करूंगी अपनी इच्छाओं को. मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या ले रहे हैं, जिससे कि मुझे भी थोड़े से आइडियाज मिल जाए. हम लोगों को टीवी लेना है थैंक्सगिविंग पे, तो टीवी का टेबल आ चुका है मैंने. हाँ, आपको टीवी का टेबल नहीं दिखाया, मैं बिल्कुल भूल गई. चलो नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल में आपको दिखाऊंगी. बहुत ही सुंदर हमने टीवी टेबल लिया है और अंशुल ने टीवी भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, तो वो टीवी भी आ जाएगा लाइक 5-7 डेज में, तो फिर हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे. बाकी और तो ऐसा कुछ था नहीं मुझे जो दिमाग में आया कि मुझे थैंक्स गिविंग पे ही लेना है. बड़ी चीज़ एक टीवी लेनी थी, तो वो हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है. आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या खरीद रहे हो, उससे ना हो सकता है कि मुझे कुछ आइडिया मिल जाए या फिर मुझे लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे लेनी ही है. तो अच्छा टाइम है थैंक्स गिविंग का, तो मे बी आई विल बाय. तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. होप करते हैं आपने हमारा व्लॉग पसंद किया होगा. अगर पसंद किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. आई वुड बी रियली रियली हैप्पी टू वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटिफुल फैमिली. और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप को मेरी वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा आप क्या इन्जॉय करते हो. एंड मैं एक बात कहना चाहती थी कि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि डेली व्लॉग्स बनाओ. तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती हूँ व्लॉग्स की, बट देन जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उतनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाना. अभी गोविंद काफ़ी छोटा है तो उसको भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है. एंड आई डोंट वॉन्ट टू यू नो मिस हिज चाइल्डहुड फेज, बिकॉज अभी उसे मेरी ज़रूरत है. तो अभी मैं उसके साथ पूरा का पूरा टाइम इन्जॉय करना चाहती हूँ, इसीलिए जितना पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली वीडियोज़ बनाऊँगी. और मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए, लाइक दिन के टाइम शूट करती हूँ, फिर रात रात जाके उनको एडिट करके आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ. तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी सी कोशिश किया कीजिए कि वीडियोस को आगे शेयर किया कीजिए अगर आपको पसंद आती हैं, और देखा करिए जिससे कि थोड़ी सी मुझे भी अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले कि यस लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं जो वीडियोज़ मैं पुटअप कर रही हूँ, तो अच्छा लगेगा. तो बस यही सब बातें थी, बहुत सारी बातें हो गई. इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में. तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.